दोस्तों अभी जो आपने फ्रूट डांस वाली वीडियो देखी है, ये एकमात्र ऐसा वीडियो है जो आपको YouTube पे नहीं मिलेगा। मतलब आपके पास बिग अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस कंटेंट पे काम करते हैं तो आपका चैनल रॉकेट की तरह ग्रो करेगा। और ये जो वीडियो है दोस्तों, बच्चे बूढ़े हर उम्र के लोग देखना पसंद करेंगे। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है, वो भी थोड़ा यूनिक तरीके से। अब ये वीडियो आपको कहाँ से लेना है मैं आपको बताता हूँ। आपको चले आना है प्ले स्टोर पे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा पिंटरेस्ट, ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद अगर आप ओपन करेंगे तो इस तरह का वीडियो शायद आपको देखने को न मिले। तो ये वीडियो आपको देखने को कैसे मिलेगा, मैं दोस्तों आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा, वो लिंक आपको कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ से हम बैक चले आते हैं। बैक आने के बाद हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे, मैं उस लिंक को सेव करके रखा हूँ। तो उस लिंक को जब हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इसी एप्लीकेशन में इस तरह के वीडियो पे हम आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये वीडियो हमारे सामने आ गया है। अब इसमें अगर आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो इसी टाइप के बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे अनलिमिटेड वीडियो। अब ये एक ऐसा एप्लीकेशन है दोस्तों, शायद ही कोई इसके बारे में जानता होगा। मेरे हिसाब से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, पहला आप ऐसा व्यक्ति हैं जो आप इस एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन कंटेंट भी लेना चाहेंगे, ग्रीन स्क्रीन वीडियो लेना चाहेंगे कैरेक्टर, यहाँ से वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से सारे वीडियो को आप अपने चैनल में यूज कर सकते हैं, आप अपना बना के इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस एप्लीकेशन के बारे में किसी को पता नहीं है। जाहिर सी बात है, किसी को पता नहीं है तो बहुत से कम लोग इसको यूज़ किए होंगे, कोई यूज़ किया ही नहीं होगा। और ये एप्लीकेशन दोस्तों हमारे प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, इसका मतलब जीरो रिस्क है इस एप्लीकेशन पे। तो आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद अपने ईमेल आईडी से इसको साइन अप कर लेना है। और आपका इंटरेस्ट आपको सेलेक्ट करने के कुछ ऑप्शन देगा, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आप इस तरह के वीडियो पे आ जाएंगे, इस तरह का फ्रूट डांस वाली वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद डायरेक्ट आपको अपलोड नहीं करना है, क्योंकि हमारा वीडियो देखकर बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के कंटेंट पे काम करने की कोशिश करेंगे और काम करेंगे। जाहिर सी बात है, काम करेंगे लोग तो इस तरह का यूनिक कंटेंट बहुत तेजी से ग्रो होगा। तो आपको एडिटिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है ताकि आपका वीडियो कोई कॉपी ना कर सके। तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख जाएगा 3 डॉट, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। अब लिंक को कॉपी करने के बाद यहाँ से हम इसे बैक कर देंगे। बैक करने के बाद आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है पिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोडर। सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको लिंक को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। अभी आपका वीडियो डाउनलोड नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों नीचे आपका वीडियो आ जाएगा, यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका वीडियो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों हम चलेंगे वीडियो के एडिटिंग के लिए। एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर एडिटिंग आप अच्छी तरीके से देख लेंगे, उसी तरह से आप एडिटिंग करेंगे तो आपका वीडियो कोई कॉपी करके अपने चैनल पे अपलोड नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम बैक करेंगे और चलेंगे एडिटिंग प्रोसेस में। एडिटिंग के लिए आप जिस भी एप्लीकेशन का यूज करते हैं उसको ओपन कर लेना है। मैं दोस्तों काइनमास्टर एप्लीकेशन का यूज करता हूं, ये इजीली आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। अगर ये वाली चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करना पड़ेगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। हम दोस्तों शॉर्ट वीडियो बनाएंगे तो यहाँ पे शॉर्ट का रेशियो सिलेक्ट करना है, देन क्रिएट पे क्लिक कर देना। वीडियो दोस्तों लास्ट तक आपको देखना है, मैं आपको लास्ट में वीडियो के बीच में ही आपको बता दूंगा कि वो लिंक आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है। और वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि एडिटिंग प्रोसेस आप अच्छे से समझ जाएं। देन यहाँ से वो वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, जहाँ पे भी आपका वीडियो है वीडियो को सेलेक्ट करना है। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको हम बैक करेंगे। देन यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है इसमें दोस्तों, इस वीडियो को बड़ा बनाया गया है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जोड़ के, तो उसको हम कट करके निकाल देंगे। अगर वो चीज़ें आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन हम पहले उसको कट करके निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ से हम देख लेंगे
ये हमारा दूसरा पार्ट आ गया, तो इसको हम कट करके निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको रखना है, देन कैंची पे क्लिक करके ट्रिम राइट पे क्लिक कर देंगे, ये कट के निकल जाएगा। अब वीडियो के शुरू में आ जाते हैं, थोड़ा सा ब्लैंक स्क्रीन है तो इसको भी हम कट करके निकाल देंगे, ठीक है। अब वीडियो को कट करके निकालने के बाद आपको करना क्या होगा दोस्तों, इसको प्ले करके देख लेना है। इसमें जो म्यूजिक है दोस्तों चाइनीज म्यूजिक है, और चाइनीज म्यूजिक हो सकता है पहले से कोई YouTube पे यूज किया हो। अगर इसको सेम ऐसे ही ऐड कर देंगे, इस म्यूजिक को लगा के अगर अपलोड कर देंगे, तो हो सकता है कॉपीराइट म्यूजिक की वजह से आ जाए। तो इसका म्यूजिक को हम ऑफ करेंगे। म्यूजिक को ऑफ करने के लिए लेयर को सिलेक्ट करना है, मिक्सर पे क्लिक करके इसको बिल्कुल बंद करना है और बैक कर देना है। बैक करने के बाद ये म्यूजिक हमारा बिल्कुल ऑफ हो गया। देन इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे स्पीड में थोड़ा सा आपको फर्क लानी है। तो इसका स्पीड आपको थोड़ा सा अप या डाउन, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट हम माइनस कर देंगे, ठीक है, थोड़ा स्लो कर देंगे। इसके बाद इसको बैक करेंगे। फिर आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे लेयर पे सिलेक्ट करना है और नीचे आपको जाना है, पैन एंड जूम पे क्लिक करना है, ठीक है। और फर्स्ट वाले को स्टार्ट पोजिशन को सिलेक्ट करना है, देन इसको कुछ इस तरह से जूम करना, ठीक है। ऐसे जूम करने के बाद इस तरह से इसको एडजस्ट कर देना, ठीक है। अब एडजस्ट करने के बाद इसको बैक कर देना। बैक करने के बाद इसमें दोस्तों आपको करना क्या है, फिल्टर वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है और कोई एक फिल्टर आपको सेलेक्ट करना है और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना है, देन इसको बैक कर देना। अब आपको एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन है अपने हिसाब से इसको घटा बढ़ा देना है, और उसके बाद नीचे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, वो सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, इसका म्यूजिक हमने ऑफ कर दिया, एडिटिंग भी कर दिया। अब इसमें एक काम और करना है दोस्तों, आपको बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक आपको कहाँ मिलेगा, आपको YT स्टूडियो में चले जाना है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा YouTube लाइब्रेरी, ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से हम इसको मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करने के बाद आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, देन यहाँ पे आपको सर्च करना है स्टूडियो, ठीक है। स्टूडियो सर्च करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस तरह से जो भी आपका चैनल होगा ना ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा म्यूजिक का सिंबल, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों म्यूजिक लाइब्रेरी, ऑडियो लाइब्रेरी यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है पॉप, पॉप सॉन्ग, आपको सिर्फ पॉप लिख देंगे ना, तो यहाँ पे सर्च वाली ऑप्शन पे देखिए यहाँ पे पॉप आ गया, तो इसको आपको क्लिक कर देना, ठीक है। पॉप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा म्यूजिक आ जाएगा। यहाँ पे तो अभी डबल पी हो गया है तो दो ही म्यूजिक आया है, तो इसको आपको प्ले करके देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिक आ जाएंगे, यहाँ पे अभी हमारा दो म्यूजिक आया है, तो आपको इसी तरह से क्लिक करना है और सर्च करके देख लेना, ठीक है। प्ले करके आपको बारी बारी चेक कर लेना है, तो जो भी म्यूजिक आपको अच्छा लगे यहाँ पे स्क्रॉल करके इस साइड में आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड वाली ऑप्शन मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप इजीली डाउनलोड करेंगे, आपके गैलरी में चला जाएगा। अब गैलरी में आ जाएगा तो अब हम चलते हैं वीडियो के एडिटिंग वाले पार्ट में। यहाँ पे आपको उस म्यूजिक को सिलेक्ट करना है, तो म्यूजिक को सिलेक्ट करने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑडियो वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ पे आपका म्यूजिक होगा ना एल्बम वाले में आ जाए। अब यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है आपका नीचे यहीं पे म्यूजिक मिल जाएगा, जैसे कि म्यूजिक हमारा ये है, देखिए ये वाली म्यूजिक है। अब इस म्यूजिक को आपको सेलेक्ट करने के लिए प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, म्यूजिक हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। म्यूजिक तो दोस्तों हमारा ऐड हो गया, देन इसके बाद आपको बैक कर देना और म्यूजिक का साउंड इतना ही रहने देना, ठीक है। इसके बाद आपको करना क्या है, म्यूजिक का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करके आपको निकाल देना है। यहाँ पे आपको कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे ट्रिम राइट पे क्लिक करके एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल देना है। अब इसके बाद दोस्तों इसमें ऐसा चीजें आपको लगाना है ताकि आपका वीडियो कोई कॉपी ना कर पाए, तो इसके लिए आपको लेयर पे क्लिक करना है, म्यूजिक पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके चैनल का लोबो को लेके आना है। यहाँ पे चैनल का लोबो लाने के बाद यहाँ से हम बैक करेंगे और इसको कुछ इस तरह से छोटा करके यहाँ पे कॉर्नर पे हम ऐसे ही एडजस्ट कर देंगे। अब ये लोबो दोस्तों हमारे शॉर्ट चैनल का लोबो है। देन इसके बाद इसके लेयर को वीडियो के बराबर आपको कर देना, ठीक है। वीडियो के बराबर करने के बाद दोस्तों एक तो हमारा लग गया लोगो, देन इसके बाद आपको इसको बैक करना है। अब इसमें आपको अपने चैनल का नाम लिखना है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, लेयर पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख लेना है। चैनल का नाम लिखने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है और देन यहाँ पे दोस्तों हमारे चैनल का नाम आ गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है, कहीं बीच में इसको एडजस्ट कर देना है ताकि कोई इसको क्रॉपिंग करके भी अपने चैनल पे अपलोड ना कर पाए। यहाँ पे दोस्तों इसको एडजस्ट करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है, यहाँ पे
कलर वाली ऑप्शन में कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कलर वाली ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे। जो भी कलर आपको रखना है कलर पे सेलेक्ट करिए और राइट एरो पे क्लिक कर देंगे वो कलर आपका लग जाएगा। देन इसको बैक करेंगे, फिर आपको अपने टेक्स्ट वाली नाम जो है चैनल का नाम उसका सेलेक्ट करना है। फंट वाली ऑप्शन पे आना है, जो भी फंट आप रखना चाहते हैं फंट रख के राइट एरो पे क्लिक कर देना है, वो फंट आपका लग जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा इसका जो कलर है थोड़ा सा ऑपेसिटी को बिल्कुल कम कर देना है। इसके लिए अल्फा ऑपेसिटी पे क्लिक करके इसको आपको कम कर देना ताकि ये हल्का हल्का दिखे, ठीक है, हल्का हल्का दिखे। इसको कहीं भी वीडियो में अपने एडजस्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद इसको बैक कर देना और इसको अपने वीडियो के बराबर फुल कर देना है। अब इतना करने के बाद दोस्तों इसको बैक करेंगे, अब इसमें आपको अपनी वॉइस ओवर करना है। वॉइस ओवर कैसे करना है इसमें दोस्तों वीडियो को आपको देखना है, ठीक है, कुछ म्यूजिक सा आपको अपने मुंह से म्यूजिक निकालनी है और इसमें आपको वीडियो के एंड में या फर्स्ट में आपको बोल देना है। वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक जरूर कर देना। तो मैं वॉइस ओवर कर लेता हूं और आपको वॉइस ओवर सुना भी दूंगा। वॉइस ओवर करने के लिए आपको यहां पे दिख जाएगा रिकॉर्डिंग वाली ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है और यहां पे दोस्तों स्टार्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपका वॉइस ओवर रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे हमने वॉइस ओवर कर लिया। आपको वॉइस ओवर ऐसा करना है क्योंकि ये ज्यादातर वीडियो आपका बच्चे ही देखेंगे, तो इसको यूनिक तरीके से वॉइस ओवर कर लेना है। मैं आप लोगों को एक उदाहरण के लिए वॉइस ओवर किया है। अभी इस वॉइस ओवर को आपको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, इस लेयर को सिलेक्ट करना है वॉइस ओवर वाली और यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे आपको वॉइस चेंजर का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा किड का, यहाँ पे किड वाली को सिलेक्ट करना है। देन यहाँ से बैक कर देंगे। अब दोस्तों वॉइस ओवर करने का फायदा क्या होगा, वॉइस ओवर करने से आपका ये फायदा होगा कि इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सबका आवाज अलग अलग होता है, किसी का सेम नहीं होता है, और दूसरी बात मोनेटाइज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो हमारा कम्प्लीटली बन के तैयार हो गया, वॉइस ओवर भी हो गया। तो मैं आपको एक बार वीडियो प्ले करके सुना देता हूँ। तो दोस्तों आपने वीडियो सुन लिया, वॉइस ओवर भी हो गया। इसी तरह से आपको वॉइस ओवर कर लेना है हर वीडियो में। आप थोड़ा थोड़ा वॉइस ओवर करेंगे तो वीडियो आपका मोनेटाइज होने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, फ्रूट डांस वाली वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सअप चैनल पर भी मिल जाएगा। जहाँ से आपको ईजी लगे वहाँ से आपको उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप उस वीडियो पर पहुँच सकते हैं। अब इसको अपनी गैलरी में एक्सप्लोर करना है तो इस एरो पे क्लिक करके यहाँ पे दोस्तों आपको बीट रेट 10 से ऊपर रखना है और 1080 पे सेलेक्ट करके इसको सेव एज वीडियो पे क्लिक करके इसको अपनी गैलरी में एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो को आपको बिल्कुल फ्रेश चैनल पे अपलोड करना है। फ्रेश चैनल का रीच सबसे ज़्यादा होता है और ग्रोथ होने का चांसेस 100% ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी सवाल होगा, कमेंट में मेंशन कर देना, मैं 100% रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर देना और इसी तरह के यूनिक चैनल आइडियाज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।